हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन निधि। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बची हुई रोटी का एक क्रिस्पी सा नाश्ता और हेल्दी नाश्ता। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए दो रोटी बची हुई हैं, उनको हमने ले लिया है। इनको अपनी पसंद से देखिए इस तरीके से हमने ट्रेंगल शेप में बनाकर और छोटा छोटा लंबाई में हमने कट कर लिया है। चारों तरफ से हम इसको पहले कट कर लेंगे। कटे हुए जो पीसेज होंगे उन्हें भी हम यूज़ में ले लेंगे और इस तरीके से कट कर कर रेडी कर लेंगे। देखिए रोटी को हमने कट कर लिया है। तो बॉयल हुए आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। इसमें ड्राई मसालों में एक चम्मच चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, जीरा थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। तो मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसे एक एक करके रोटी के टुकड़ों पे इस तरीके से लगाएंगे और एक सेकंड रोटी को इस तरीके से रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। इसी तरीके से सभी पीसेस को हम तैयार कर लेंगे। एक बाउल में हमने एक कप ये कॉर्नफ्लोर लिया, इसमें थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स, धनिया ऐड करेंगे। इसका घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो एक चम्मच इसमें तिल डाल देंगे और घोल बनकर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और एक एक रोटी के टुकड़े को इसमें डैप करेंगे और एक एक करके कढ़ाई में डालेंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे उलट पलट कर लेना है, अच्छे से सेक लेना है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इनको सेक कर रेडी किया है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इन्हें एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। सेकेंड बैच को भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए रोटी का क्रिस्पी नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। आप लोग भी इस तरीके से टमाटो केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं और इस तरीके से बनाएं और ट्राई कीजिए। और इस तरीके से बनाकर आप लोग चाय के साथ भी इसे सुबह शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।